हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टे अपडेट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 मई 2020 के जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपके आने वाले हर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल फ्रेंड्स रहेंगे। तो इस वीडियो में हम टोटल 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहेगी फ्रेंड्स, वो भी हम इस वीडियो में कम से कम टाइम में फ्रेंड्स कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ में फ्रेंड्स, ये जो आपके कंप्लीट क्वेश्चन रहेंगे, इनसे रिलेटेड जो आपके नोट्स रहेंगे, वो आपको डायरेक्टली एक पेज पे मिल जाएंगे। उस पेज का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा। आप उस पेज पे जाके डायरेक्टली करंट अफेयर के क्वेश्चन को अपने मोबाइल में फ्रेंड्स डाउनलोड भी कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड जो आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगी फ्रेंड्स, वो भी आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो आपके क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन थे, इसमें से आपके कुछ पेपर ही हो पाए थे लॉकडाउन की वजह से। तो उन्हीं पेपर से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट अपना जो डिसीजन है ले रही है और कुछ स्टेट ने इसके रिगार्डिंग डिसीजन ले लिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिसेंटली छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आया है। क्लास 10th और 12th के जो पेपर बचे हुए थे उनको इन्होंने अपनी स्टेट में कैंसिल कर दिया है। यानी कि ये जो पेपर कैंसिल किए हैं, इनका रिजल्ट किसके बेसिस पे रहेगा, जो इंटरनल असेसमेंट रहेगी उसके बेसिस पे ये जो पेपर कैंसिल किए हैं फ्रेंड्स, इनका रिजल्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड न्यूज देख सकते हैं, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड एलोकेट्स रुपीज 3,100 करोड़ रुपीज टू फाइट कोविड-19। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो केयर फंड बनाया गया था, इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है टोटल रुपीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,100 करोड़ टू फाइट कोविड-19। तो ये फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 15 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, हु अनाउंस्ड दैट ऑल कैंटीन्स ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस विल सेल ओनली इंडिजिनस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इंडिजिनस प्रोडक्ट आपके क्या रहते हैं। जो प्रोडक्ट पूरे तरीके से स्वदेशी रहेंगे, इंडिया में प्रोड्यूस किए जाएंगे, उनको इंडिजिनस प्रोडक्ट कहते हैं। तो किसने यहाँ पे अनाउंस किया है कि जो जितनी भी कैंटीन्स रहेंगी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस प्रोडक्ट को ही फ्रेंड्स सेल करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये अनाउंस किया है कि जितनी भी कैंटीन या फिर स्टोर रहेंगे सीएपीएफ के, वो सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट को ही फ्रेंड्स बेचेंगे। उसके बाद आप यहां पे सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए पोर्टल जिसका नाम है होप, एम्ड एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज फॉर द ट्रेंड यूथ। तो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम होप है और इसका लक्ष्य ये रहेगा कि जो ट्रेंड यूथ हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। तो आपको यहाँ पे स्टेट का नाम याद रखना है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ये वाला जो पोर्टल है होप फ्रेंड्स लॉन्च किया है। उसके बाद आप यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, रिसेंटली दी आरम बवोर वुड कार्विंग्स बिलोंगिंग टू विच स्टेट अवॉर्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रिसेंटली। तो ये जो आपका आरम बवोर वुड कार्विंग है, ये कौन सी स्टेट से है जिसको रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है तमिलनाडु। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, विच स्टेट हैज कम अप विद द यूनिक आइडिया ऑफ ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन टू हेल्प पीपल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज। तो कौन सी स्टेट एक यूनिक आइडिया के साथ आई है जिस आइडिया का नाम है ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन, जिसके अकॉर्डिंग जो आउट पेशेंट रहते हैं उनको ट्रीट किया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी इस आइडिया के अंडर। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेट ने ये आइडिया दिया है, महाराष्ट्र। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, द वेबिनार टाइटल्ड उड़ीसा इंडियाज बेस्ट कैप्ट सीक्रेट अंडर विच देखो अपना देश वेबिनार सीरीज हेल्ड। तो कौन सी वेबिनार सीरीज के अंडर ये जो आपका टाइटल है उड़ीसा इंडियाज बेस्ट कैप्ट सीक्रेट, ये कौन सी वेबिनार सीरीज के अंडर हेल्ड हुआ है? 18th वेबिनार सीरीज के अंडर। तो पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था 17th वेबिनार सीरीज के अंडर एक्सप्लोरिंग नीला रिवर जो है वो हेल्ड हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी देखो अपना देश वेबिनार सीरीज है उसकी कौन सी सीरीज में कौन सा जो टाइटल है वो हेल्ड किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सीबीएसई के जो नए चेयरमैन है वो किसको अपॉइंट किया है? मनोज आहूजा। ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है।
उसके बाद आप यहाँ पे सेवेंथ क्वेश्चन देख सकते हैं, विच यूनियन टेरिटरी अनाउंस्ड दैट इट विल प्रोवाइड ए टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड बाय 2022 अंडर द जल जीवन मिशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जल जीवन मिशन के अंडर किस यूनियन टेरिटरी ने ये अनाउंस किया कि 2022 तक जितने भी रूरल हाउसहोल्ड रहेंगे उनको टैप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको यूनियन टेरिटरी का नाम याद रखना है जम्मू कश्मीर। और साथ में इसी मिशन के अंडर एक और स्टेट ने ये अनाउंस किया कि 2022 तक वो जितने भी रूरल हाउसहोल्ड रहेंगे उनको टैप वाटर प्रोवाइड करना है, उस स्टेट का नाम आपको याद रखना है हरियाणा। और उसके बाद आप यहां पे एट्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड टू सैटेलाइट टू टेस्ट द स्पेस बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको कंट्री का नाम याद रखना है जिसने दो सैटेलाइटें जो हैं स्पेस बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को टेस्ट करने के लिए सक्सेसफुली लॉन्च कर दी हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रेगुलेट द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बाय टेलिंग फार्मर्स व्हाट टू ग्रो एज अ पार्ट ऑफ इट्स पायलट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपको स्टेट का नाम याद रखना है तेलंगाना, जो कि पहली स्टेट है जो कि रेगुलेट करेगी क्रॉप की कल्टीवेशन को। उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आज के करंट अफेयर का, इन विच ईयर दी अंत्योदय अन्न योजना वॉज लॉन्च्ड। तो ये जो आपकी योजना है फ्रेंड्स, इस योजना के अंडर जो पुअर फैमिलीज रहती हैं बीपीएल के अंडर बेसिकली उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो आपकी अंत्योदय अन्न योजना रहेगी ये कौन से साल लॉन्च हुई थी, ये आपको याद रखना है 2000। तो फ्रेंड्स ये योजना आपकी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारी जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं उनको इसी स्कीम के अंडर जो आपको फ्रेंड्स फूड प्रोवाइड किया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपके 15 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।